हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है T2 सैंपल टी टेस्ट। हम टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि मेरे पास अगर दो सैंपल्स हैं, उनके जो सैंपल्स मीन्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं है, ये हमने डिस्कस करना है आज की वीडियो का, ये मेरा एम है। तो टी टेस्ट इसको यूज किया जाएगा। टी टेस्ट इज वेरी यूजफुल टूल टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर मेरे पास दो पॉपुलेशन दी हुई हैं और मुझे चेक करना कि दोनों के मीन में कोई डिफरेंस है या नहीं है, देन आई विल अप्लाई टी टेस्ट। तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। जो पेरेंट पॉपुलेशंस हैं जिसमें टू सैंपल्स हमने विड्रॉ किए हैं, वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सैंपल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होना चाहिए, सिग्मा वन स्केयर सिग्मा टू स्केयर। इसको करने का मेन तरीका क्या है, जो आपने टू टेस्ट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मींस, हमें एक हाइपोथेसिस सेट करना है। हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे, हमेशा हम एच नॉट जो है वो मानेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मींस, यानी कि दोनों जो पॉपुलेशन हैं उनका जो मीन है वो सेम है। ये मेरा हमेशा क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, यानी कि दोनों में डिफरेंस जीरो हो गया। और जो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसका उल्टा होता है। तो अगर हमें ये टू टेल टेस्ट निकालना है तो मैं बोलूंगा कि दोनों इक्वल नहीं है आपस में, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अगर मुझे राइट टेल टेस्ट लगाना है आई विल से दैट कि जो न्यू वन है वो न्यू टू से बड़ा होगा। अगर मुझे लेफ्ट टेल टेस्ट लगाना है तो न्यू वन विल बी लेस देन न्यू टू। तो तीन बातें हो सकती हैं ये वाली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने करनी है बेटा। ठीक है, वो चीज हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है। अब मुझे इसमें टी स्टेटिस का फार्मूला क्या लगाना है, अगर हमें टू पॉपुलेशंस के मीन की सिग्निफिकेंस चेक करनी है, तो आपको ये फार्मूला बेटा याद रखना है। टी स्टेटिस का ये फार्मूला रहेगा x̅ - y̅, ठीक है, माइनस न्यू वन माइनस न्यू टू, नीचे स्टैंडर्ड एरर x̅ y, उसका ये फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर का। क्योंकि न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू तो मेरा है ही है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया। ठीक है जी, तो इसका नीचे ये फार्मूला लग गया, एस कैपिटल एस अंडर रूट वन ओवर n1 + n2। ये जो स्टैटिक्स है इट फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिग्री n1 + n2 - 2। अब आपको एक्स बार आप निकाल सकते हो एक्स के सैंपल से, वाई बार सेकेंड सैंपल से, और जो एस स्केयर है वो आपका जो वेरियंस है इस फार्मूले से आपने निकाल लेना, वन ओवर n1 + n2 - 2 समेशन i1 to n xi - x̅ का स्केयर j1 to n2। मतलब कि दो सैंपल, एक एन वन एन टू, एक का एक्स बार आएगा मीन, दूसरे का वाई बार मीन। ठीक है, तो दोनों के अगर आप ये चीज निकाल लोगे xi - x̅ का स्केयर, इसी तरह वाई वाले केस में, तो वहां से एस के निकाल सकते हो। तो आपने टी स्टैटिक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है बच्चों, ठीक है। और टी स्टैटिक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर वो टी वैल्यू से कम आ जाती है, टी टेबल में अगर जो वैल्यू देखेंगे, कहाँ पे वैल्यू ने देखनी है, इतनी डिग्री पे, 5% लेवल जनरली यूज करते हैं। अगर टी कैलकुलेटेड कम आती है तो हमारा वो एक्सेप्टेड होता है, तो ये हमारा एक्सेप्टेड हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, यानी कि देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ गई टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये टी कैलकुलेटेड हमारी ज्यादा आ गई टी टेबल से तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा, रिजेक्टेड, तो यानी कि उनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते समय ये बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है तो ये लिमिट्स निकालने का फार्मूला है। क्योंकि अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है बेटा, तो जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो अल्फा हम 5% लेते हैं। ठीक है, यानी कि 0.005, तो ये मेरी लिमिट्स होगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, x̅ - x̅2 + - टी की जो वैल्यू आपने टेबल में देखनी है, स्मॉल एस अपॉन रूट एन माइनस वन, चाहे कैपिटल एस ले लो आपकी मर्जी। अगर 99% है तो वहां पे 1% आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, एज इट इज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, हमें दो, जब भी दो तरह के सैंपल दिए होते हैं तो टी स्टैटिस्टिक्स लगता है स्पेशली उनके डिफरेंस ऑफ मीन को चेक करने के लिए। हमें दो ड्रग्स दिए गए हैं, ठीक
ठीक है, ये हमने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट्स को दिए हैं। यहाँ पे 6 पेशेंट्स को दिए ड्रग ए को, ड्रग बी 8 पेशेंट्स को दिया गया। हमने चेक करना कि दोनों की जो एफिशिएंसी है वो सेम है कि डिफरेंस है। मान लो देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द एफिशिएंसी, यानी कि दोनों की क्वालिटी सेम है। एच नोट का मतलब है देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कि दोनों के पॉपुलेशन मीन इक्वल होंगे। एच वन क्या होगा, इसका उल्टा नल हाइपोथेसिस। तो एच वन में मैं क्या मानूंगा बच्चों, एच वन में मैं मान लूंगा कि देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन देयर एफिशिएंसी, टू टेल टेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि मुझे क्या निकालना है, टी स्टेटिक्स। ठीक है, टी स्टेटिक्स निकालने के लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा टू वाले के लिए। तो उसमें पहले एक्स बार वाई बार निकालना पड़ेगा, कैपिटल एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई हमें एक्स की इवेंट्स दी है 6, ठीक है, इन सभी का प्लस कर लो, एक्स वाली आइटम्स का 96 डिवाइड बाय 6 कर लो, तो ये मीन आ गया 16। इसी तरह वाई का मीन निकाल लो, वाई वाली आइटम्स को प्लस कर लो, 144 डिवाइड बाय कितनी आइटम्स है, 8, 18 आ गया। अब मुझे एस स्क्वायर निकालना है, तो एस स्क्वायर का ये फार्मूला बताया था, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई जे माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो मुझे ये दोनों क्वांटिटीज निकालनी पड़ेगी। तो ये जो मेरा एक्स आई है, इन सभी में से मीन माइनस कर दो, मीन मेरा कितना है, इसका 16 उसका 18 है। ठीक है, तो मीन सब्ट्रैक्ट करना आपको, यानी कि यहाँ पे सभी एंट्रीज में से 16 माइनस कर दिया गया, यहाँ पे सभी एंट्रीज में से 18 माइनस कर गया। ये जो एंट्रीज आ गई इनका स्केयर कर लो, इधर इनका स्केयर कर लो, इसका टोटल और इसका टोटल जब मेरे पास आ गया तो मैं एस स्केयर निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो तो सारा देखो देखो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन किससे करना है। तो जब एस स्केयर आ गया, फिर टी स्टेटिस का ये फार्मूला लग गया। फार्मूला लगा के एक्स बार वाई बार की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एस की वैल्यू पुट कर दो, एन वन एन टू की वैल्यू पुट कर दो, तो ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, मॉडुलस ले लेना आपने। ठीक है, अब आपने टेबल वैल्यू देख लेनी है, टेबल वैल्यू फॉर टी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एन वन प्लस एन टू माइनस टू है ना बेटा आपका, तो एन वन प्लस एन टू माइनस टू, एन वन 6 और 8, 14 माइनस 2 12 आ गया। तो 5% लेवल पे इसकी वैल्यू देख लेनी है। ठीक है, टी टेबल आपकी बुक्स में दिया होता है, यहां मैं दिखा देता हूं आपको पीडीएफ में भी, मेरे पास जो बनाई हुई है मैंने, यहां पे भी टी टेबल आपको दिखाते हैं अभी एक मिनट। ये देखो, ये टी टेबल है, ये 5% लेवल है, तो ये मेरा 12 है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें हम 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल पे, ये इसकी वैल्यू 2.17 है, ये 5% लेवल है, ये आपका 99%, ये आपका 1% लेवल है, ये 2% लेवल है। हम स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये वाली वैल्यू आप यूज कर सकते हो, तो 2.179 आ रही है। ठीक है जी, तो दोबारा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2.179 थी ना वहां पे, तो 1.8 होगी। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबल से कम आ गई, या तो नल हाइपोथिस एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्टेड का मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये क्वेश्चन है बेटा। टी स्टैटिस का फार्मूला लगाना आना चाहिए आपको, और उसकी वैल्यू अगर कम आ जाती है टेबल वैल्यू से तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथिस को। अगर दो सैंपल वाला क्वेश्चन है तो टी टेस्ट लगाएंगे फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है, हमें ये बताया गया कि दो तरह के बल्लब हैं, एक का सैंपल 8 है, एक का 10 सैंपल है। सैंपल्स वर टेकन एर, उनकी लेंथ देखी गई, कितनी लाइफ है उनकी, पहले का x1 बार है, x2, सब कुछ हमें दिया हुआ है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मीन लाइफ ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस फ्रॉम यूनिट 2 इज मोर देन द यूनिट 1, हमें ये चीज चेक करनी है। तो दो चीजों का कंपैरिजन हो गया, मान लो कि दोनों की मीन लाइफ बराबर ही है, क्योंकि जो मैंने एच नोट हमेशा आपको यही सिखाया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन लाइफ। अब न्यू टू मुझे उल्टा मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि न्यू टू जो है वो न्यू वन से बड़ा है। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट टेल टेस्ट लगे। अब आपको लेफ्ट टेल टेस्ट का टेबल देखना, टेबल भी तीन तरह के टी टेस्ट के, एक है डबल टेल टेस्ट, एक लेफ्ट टेल टेस्ट, एक राइट टेल टेस्ट का। तो ये सिंगल टेल टेस्ट लगा लेफ्ट के लिए, तो न्यू वन न्यू टू से छोटा लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसके लिए करना वैसे ही अपने सारा कुछ वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, पर टेबल में हम लेफ्ट टेल टेस्ट देखेंगे, सिंगल टेल वाला। एक्स वन एक्स टू बार मुझे दिया हुआ, एस स्क्वायर मुझे निकालना है। तो जब आपको छोटा एस वन और छोटा एस टू दिया हो बेटा, इस चीज की वैल्यू याद कर लो, ये होती है एन वन एस वन स्क्वायर, इसकी एन टू एस टू स्क्वायर। तो वो वैल्यूज पुट करके बड़ा एस हमने निकाल लेना है, यहां से टी की वैल्यू 2.17 आ गई है। अब इसकी 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल पे सिंगल टेल टेस्ट देख लो आप,
तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब एच वन एक्सेप्ट हो जाएगा, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब बल्ब प्रोड्यूस फ्रॉम यूनिट टू हैव मोर मीन लाइफ। तो यही इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का डाटा है कि छह बच्चे की हाइट दी गई है, छह वो पुलिसमैन है हाइट की, एक आर्मी मैन की हाइट है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग मीन निकालना पड़ेगा, एस वन एस टू निकालने पड़ेंगे। हमें ये शो करना है कि जो पुलिसमैन है उनकी जो वो ज्यादा लंबे होते हैं आर्मी, टालर होते हैं, तो न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू, तो ये राइट टेल हो गया। अगर लेस होता है तो लेफ्ट होता है, ग्रेटर होता है तो राइट टेल टेस्ट होता है। बस यहाँ पे ये चीज जरूर मेंशन करनी है, और जो हमेशा एच नोट लेना है वो हमेशा ये लिखना है कि ये दोनों बराबर है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ठीक है। तो ये टी का फार्मूला लगाया, ये टेबल बनाया, एक्स का मीन निकाला, ठीक है। इसने और तरीके से किया, पिछले तरीके से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आपके ऊपर है। एक्स बार वाई बार निकाल के ये सारा कुछ आपने निकाल लेना है। टी वैल्यू 0.0099 आ गई है, और टेबल में वैल्यू इसकी 1.76। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से कम आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होता है। तो कैलकुलेटेड वैल्यूज लेस देन तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पुलिसमैन एंड आर्मी मैन। तो जो उसने बोला ना कि पुलिसमैन बड़े होते हैं, वो इनकंसिस्टेंट बात होगी, गलत होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा करने को मिलते हैं टू टेस्ट में। तो एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे दो तरह की वायर्स हैं, अलाइड वायर, स्टैंडर्ड वायर। ये X1 बार है, X2 बार है, ये S1 S2 हो गया, ये सारा कुछ लिख दिया है हमें। 25 वैल्यूज हमने 25 वैल्यूज ली है वायर्स की। वो कहता है कि पहले तो मानेंगे कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा गया टू टेस्ट द क्लेम दैट रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कैन बी रिड्यूस बाय एटलीस्ट 0.05 mm, यानी कि अगर इसमें हम रेसिस्टेंस पैदा कर दें तो इनकी जो 0.5 mm में डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, एक होती है स्टैंडर्ड वायर, एक होती है अलॉयड वायर। अगर हम मतलब कि अलॉयड स्टैंडर्ड वायर में कुछ रेसिस्टेंस डाल दें तो उसका 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो मुझे ये लेना पड़ेगा न्यू वन माइनस न्यू टू 0.05 ग्रेटर देन, और एच वन ये इसका मतलब ये मेरा ओके हो जाएगा, क्लेम जो उसने बोला वो क्लेम हो जाएगा, इसका मतलब क्लेम नहीं होएगा। अब जो आपको मैंने शुरू में आर्टिकल में फार्मूले लिखाए थे ना बेटा, वहां पे हमने ये चीज जीरो की थी, न्यू वन माइनस न्यू टू जीरो, पर इस क्वेश्चन में जीरो के इक्वल ही नहीं, ये 0.5 है, तो यहाँ पे 0.05 आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको सारी उसने दी हुई है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाया एस स्केयर का हमने, यहाँ पे S1 स्केयर S2 मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। एस स्केयर निकाल के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, और इसको हमने सिंगल टेल टेस्ट पे कंपेयर कर लेना है बेटा। वो सिंगल टेल पे कंपेयर करके अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 145 ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो रिजेक्टेड हो गया, सो क्लेम इज नॉट सफिशिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे टी टेस्ट, व्हेन वी हैव अ गिवन अ डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस हमने चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,